दिल्ली में चेक करता हूँ इसका बॉक्स के यार, शायद कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए। लेट्स सी टुडे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी भाई, ओ माशाल्लाह, टेल के नीचे है जी कुछ इसके। ये देखें टेल के नीचे ना इसके, ये देखें एग पड़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बशीर आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज का व्लॉग। आपको बता चुका हूँ कि मौसम आगे 7 दिन ऑलमोस्ट ना इसी तरह का रहेगा जिस तरह का आपने अभी देखा है। और आज तकरीबन रात ना 2 बजे से ना आंधी चल रही है और इतना मज़े का मौसम हुआ है ना। खैर ये मज़े का मेरे लिए तो है ही है, लेकिन बर्ड्स के लिए ना ये और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें जो मेरे बर्ड कुछ रह गए हैं या इसमें ना रिंग नेक के जो कुछ पेयर हैं जो फ्री किए हुए तकरीबन 15-20 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट या इसके करीब करीब है, उनका एक चांस बन जाएगा। क्योंकि इस एवरी के पेयर्स का तो मुझे पता है ना कि जैसे ही इन्होंने ज़रा सी गर्मी देखनी है ना तो इन्होंने ब्रीड करनी है, और जैसे ही गर्मी ज़्यादा होनी है इन्होंने रुक जाना है। तो 2-3 साल हो गए हैं ये सिर्फ एक क्लच करते हैं, तो मेरी बड़ी उम्मीद है कि इस बार ना ये एक और क्लच कर जाए। अभी देखते हैं जी ये मौसम क्या बेनिफिट देता है। और अभी इधर दाना ख़त्म हुआ है ओल्ड एवरी का भी और इस एवरी का भी, ये तो थोड़ा सा बचा हुआ है ना। आज इधर जो हमारा सर्दियों वाला और ब्रीडिंग सीजन वाला सीड मिक्स है ना वो ऑफिशियली बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, और इसमें आप कह लें समर्स वाला प्री समर है, इसमें कुछ चीज़ें इस तरह से शामिल की हैं कि क्योंकि अभी ब्रीडिंग सीजन भी चल रहा है, बर्ड ब्रीड भी कर रहे हैं और कुछ ने अभी ब्रीड करनी भी है, इस वजह से ना इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सीड मिक्स के इस तरह से शामिल किए हैं। लेकिन इसमें से जो ऑयली सीड्स हैं ना लाइक पीनट्स हैं, मूँगफली और सनफ्लावर सीड्स हैं, उनकी रेशो कम कर दी है। और यार काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि यार ये जो साइड है ना जो कवर करता हूँ कि सर्दियाँ और ठंडी हवा ना लगे इधर एवरी को, यार इसको ना मैं अनकवर कर दूँ। लेकिन अभी मैं फील कर रहा हूँ कि जो मैंने एक पॉइंट सोचा हुआ था ना वो बड़ा ठीक सोचा था। मैं सोच रहा था कि बारिशें वगैरह होंगी, अभी बॉक्सेस लगे हुए हैं तो अभी जाऊंगा बॉक्सेस भी चेक करूंगा। और आज से तो वैसे ही फिर बारिशें 2-3 दिन अगले बताया हुआ है इस एरिया में ना, फिर इसका फ़ायदा हो गया। बाकी ऊपर मुझे हालात काफ़ी ख़राब लग रहे हैं, ये देखें इस साइड से ना, इस एवरी ने ना मौसम की सख्तियाँ धूप गर्मी सर्दी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की है, तूफान भी इसने देखे हैं। ये वाली एवरी जो है इसमें से अगर ज़रा सी वेंटिलेशन ना हो ना तो चीज़ें उखड़ जाती हैं इसमें से। और वो जो भी आपको पीछे कॉर्नर नज़र आ रहा है ना, इसकी जो पॉलीथीन की कवरिंग है वो सारी अभी उड़ रही थी हवा में और एक जगह से वो फट भी गई है, उसको मैं अभी सेट करके आया हूँ। सीड मिक्स लेके जा रहा हूँ ओल्ड एवरी में, वहाँ से फिर आपको मिलता हूँ। बारिश भी स्टार्ट हो गई है, खैर सुबह से ऐसे हो रही है, 2-3 दफ़ा हो चुकी है। ओल्ड एवरी में सूरत हाल जैसे आपको बताई थी खराब है, लेकिन ना मैंने एक ऑप्शन किया होता है, ये देखें एक क्रॉस वेंटिलेशन का ना, मैं इसके नीचे से हाफ हाफ तरपाल रखता हूँ और हवा जो है अगर एक साइड से आए भी ना तो दूसरी साइड से स्केप कर जाती है। अच्छा अभी मैं इधर आया था, ये भाई साहब जो हैं वो बड़े डाउन से बैठे थे इधर, पहले तो मुझे डर हुआ कि ये इसको पता नहीं क्या हो गया है। खैर वो शायद टेम्परेचर थोड़ा सा है इस तरह का। और दूसरा ये कि ये ना सीड इसका फिल करने वाला था, सीड फिल किया है तो साथ ही एक्टिव हो गया माशाल्लाह से ना। फीमेल इसकी हर टाइम बॉक्स में बैठी होती है, बॉक्स की सिचुएशन इसकी आपको पता है। और देखते हैं अभी यार ये वाला जो पेयर है ना इसको आज कोई 20-25 दिन हो गए हैं, इस पेयर ने तो 20 दिन के अंदर अंदर लेइंग कर दी थी, इसने यार अभी तक लेइंग नहीं की, लेकिन इसके चांसेस थे। डेली मैं चेक करता हूँ इसका बॉक्स का, यार शायद कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए। लेट्स सी टुडे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी भाई, ओ माशाल्लाह, टेल के नीचे है जी कुछ इसके। ये देखें टेल के नीचे ना इसके, ये देखें एग पड़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इट्स मीन के इसकी सेकंड लेइंग स्टार्ट हो गई है जी। मैं एक बार थोड़ा क्लियर देख लू, ओ यस, बस 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 बस, माशाल्लाह माशाल्लाह, सेकंड लिंक स्टार्ट कर दी है, गुड गर्ल। चलो जी बॉक्स बंद अब माशाल्लाह। ये पेयर भी चेक कर रही हूँ, इसको टाइम है अभी। आज जिस वीडियो में ना मैंने पोस्टिंग की थी उसमें मैं आपको एक चीज नहीं बता सका था, उसमें आपने देखा था कि मैंने ना इनफर्टाइल एग इस पेयर के नीचे रख दी है, इसका बॉक्स नहीं उतारा था। तो इसकी वजह कुछ ये थी कि फीमेल की थोड़ी सी हैबिट में बरकरार रखना चाहता था,
वरना बेहतर तो यही था कि इसके एग उठा के इसका बॉक्स उतार दिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट ब्रीड अब मैंने इससे लेनी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बॉक्स लगा रहने दिया। अब जिस तरह का मौसम हो रहा है ना, मेरा माइंड थोड़ा बन रहा है कि इसके इनफर्टाइल एग उठा दूं, मे भी ये एक आध क्लच और चल जाए। यार इसने ना काफ़ी ज़्यादा अभी टेंशन क्रिएट कर दी थी, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा ना इसके लिए हो रहा था फिक्रमंद। और कुछ ऐसे है कि ये जैसे वीडियो को पहले आपको बताया कि ये ना काफ़ी हाई डाउन सा लग रहा है, और इधर फ्लोर पे बैठा था पहले। खैर इसको थोड़ा सा मैंने चार्ज किया है, मतलब स्टिक वगैरह से डराने की कोशिश की है, तो ये उधर तक चला गया है। पहले मुझे लगा कि दाने की वजह से ऐसा कर रहा है, लेकिन ये ना दाने वाले बर्तन के ऊपर बैठ के और कंटिन्यूसली इसकी आंखें ना ऐसे बंद, और जैसे बर्ड ऐसे नीचे को गिर रहा होता है ना, वो सिचुएशन थी इसकी। और एक जो हेल्दी पोस्चर होता है ना बर्ड का, वो चीज़ इसमें कोई नहीं थी। तो मैं काफ़ी देर इसको स्पेक्टेट करता रहा, देखता रहा, तकरीबन 20-25 मिनट इसको मैंने रेगुलर देखा है कि देखूँ मसला है किधर। तो मैंने जो चीज़ अज्यूम की है, आपको चेंज नज़र आ रहा होगा, हुआ कुछ ऐसे है। रात जैसे आपको बताया कि 2-3 बजे की हवा चल रही है, और हवा का ना सारा देखें रुख ना उधर से इस साइड से है, और पहले नंबर पे आता है इसका केज। और ये बेचारा मतलब जो स्टिक पे बैठता है ना, उस साइड पे भी ना इसको हवा लगती रही है कहीं ना रात, या शायद अभी लग रही थी, तो उसकी वजह से ना ये थोड़ा डाउन होके बैठा था, और अभी भी हवा चल रही है काफ़ी तेज। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लोकल बर्ड है तो इनको इतनी ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन होती नहीं है। ये तो मतलब इस तरह का और रेनी वेदर जो है एंजॉय करती है, और ये रेन भी मतलब हम कहने के प्री समर है, अप्रैल इस वक्त जिस तरह टेम्परेचर की कंडीशन चल रही है उस हिसाब से तो फिर ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों। खैर मैंने अपना इंतजाम किया है, इसको दोबारा से कवर किया है, और ये माशाल्लाह साथ ही एक्टिव हो गया है। और अभी फिर इसके लिए मैं लेके आया हूँ आज तकरीबन 4-5 दिन के बाद ना इन सब के लिए सॉफ्ट फूड, और ये ना रिस्पॉन्स देना स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह से। चेक करें, ये देखें, ये देखें, ये देख, अच्छा पकड़ के गिराई जा रहा है। अब जब मैंने इधर सीड मिक्स का बर्तन रखना है ना, फिर इसमें खाना स्टार्ट करना है। बैड बॉय, ये देख लें जी माशाल्लाह साथ ही चला गया है फूड खाने, और सॉफ्ट फूड का काफ़ी ज़्यादा शौकीन है, यही ज़्यादा शौक के साथ खाता है। फीमेल बॉक्स में बैठी रहती है, मतलब मेरे से डरती है, जब कभी बाहर आए तो फिर वो खाती है इसके साथ ना। चलें शुक्र है यार टेंशन कम हुई है इसकी ना। यार माशाल्लाह से 2 से 3 दिन मजीद हैं और हमारे जो ये जो चिक्स हैं ना, इनकी हैचिंग स्टार्ट हो जाएगी हैंस के। अभी यार मैं ना एक काम करने लगा हूँ जो कि बाद में काफ़ी मसला क्रिएट करता है। तो ये जो आपको इस साइड पे एग्स नज़र आ रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होने चाहिए, 7वां शायद ये है। हाँ ये भी डेड है, ठीक है। ये इस पर मैंने ना ये देखिए इसका निशान लगाया हुआ है। तो अभी ये जितने भी ख़राब अंडे हैं ना, मैं ये सारे यहाँ से उठाने लगा हूँ, क्योंकि ये फिर ना एक तो जो दूसरे एग्स हैं उनके साथ खराबी करते हैं, और चिक्स को हैच होने में ये काफ़ी मुश्किल क्रिएट करते हैं, और दूसरा ये कि ये फिर ना ब्लास्ट होने लग जाते हैं, इसकी वजह से भी इनका काफ़ी मसला होता है। मैं फिर ना ये रिमूव करने लगा हूँ, बाकी इंशाल्लाह अब इसकी ह्यूमिडिटी भी असल में बढ़ानी है, तो वो भी अब मैं काम करने लगा हूँ, क्योंकि लास्ट डेज चल रहे हैं। बाकी रोटेशन आज से इसकी ऑफ है, अभी ना एक आखिरी रोटेशन करूँगा। अच्छा इधर भी है, ये भी ख़राब ही है ये वाला ना, ये देखिए मैंने पहले के ना निशान लगा के रखे हुए हैं इन पे, ये 7 होने चाहिए। इधर कितने आए हैं, 3, 3, 6 और 7, 7 पूरे हैं। बाकी माशाल्लाह ठीक है। असील का थोड़ा सा रिजल्ट ख़राब आया है, आप कह लेंगे 65% रिजल्ट आया है फर्टिलिटी का, बाकी अभी मजीद हैचिंग के बाद पता चलेगा। एग्स की रोटेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट स्टेप है मशीन के अंदर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने का, उसको 70-80% पे लेके जाना है। तो मेरी अब वो कोशिश स्टार्ट होने लगी है, बर्ड्स का सारा अभी करने वाला रहता है। और जो माशाल्लाह से हमारा रात का मेल था जो बीमार था, वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुका है। उसको वाकई ही मसला सर्दी का हुआ था, 8-9 घंटे उसको ठंडी हवा जो लगती रही है ना, उसकी वजह से वो काफ़ी इफेक्ट हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। उसकी डाइट वगैरह दी, अब वो माशाल्लाह अपने पुराने हेल्दी पोस्चर में वापस आ चुका है। मज़ीद आगे आपको
चिक्स देखने को मिलेंगे 2-3 दिन में और चिक्स की हैंड फीडिंग स्टार्ट होने जा रही है। ये थी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। क्या अच्छा लगा, क्या देखना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।